प्रदेश प्रवक्ता द्वारा आज अंशुल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में अपार जन समर्थन मिल रहा है। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतबीर सैनी एवं अश्विनी दत्ता द्वारा आज अंशुल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी द्वारा इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद पार्टी में विभिन्न पार्टियों से आ रहे बड़ी संख्या में लोगों के बारे में विस्तार से मीडिया के सामने जानकारी दी। ताकि जो इंडियन नेशनल लोकदल आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हजारों लोग इस पार्टी में ज्वाइन करते जा रहे हैं, हर जगह 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में बाढ़ आ गई है। आज देश बहुत इस मुकाम पे पहुंच गया है कि आप क्या सोच सकते हो कि जिस देश में 118 रुपये लीटर गंगानगर में पेट्रोल का दाम हो और उसी छोटे छोटे जो है पाकिस्तान, लंका, भूटान, वहाँ पर 68 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये हो, कैसा अर्थव्यवस्था चलेगी? जिसकी GDP 8 होनी चाहिए, आज GDP 5-4 पे आ गई है। आज देश बहुत मुश्किल से निकल रहा है और हरियाणा में अगर विकल्प देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके पुराने शहर के पुराने मित्र भी हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में आ भी रहे हैं। आप ये देखना कि एलनाबाद चुनाव में किस ढंग से पार्टी की जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। तो मेरी तो आपसे यही एक गुजारिश है कि जिस ढंग से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप हमारा साथ दें। हमारा जो आने का पर्पज है, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, हर हलके में जाएंगे, छोटी छोटी जगह जाएंगे बेसिकली। तो आपका यहाँ आने का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दत्ता जी, जब चुनाव 2000 बूथ बन रहे हैं, वार्ड वाइज हम बन रहे हैं, 3.5 लाख वर्कर की इनरोलमेंट हो चुकी है, हम निचले स्तर पर जा रहे ताकि पार्टी को संगठित किया जा सके। और जहाँ तक JJP का सवाल है, वहाँ तो काफ़ी लोग आ ही चुके हैं, आने वाले समय में आपके सामने हो जाएंगे। आने वाले समय की बात करें तो बात समय की हर चीज गर्मी होती है, ये बात तो कहना मुनासिब नहीं होगा, ये बात सैनी साहब बताएंगे। हाँ जी, चलो। जो चौधरी देवीलाल की जो नीतियों को फॉलो करने का मादा रखता है और उस पर चलना चाहता है तो हमारा जो है ना दरबार उनके लिए खुले हैं, चाहे कोई भी किसी पार्टी का भी हो, चाहे भारतीय जनता का भी हो, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर कांग्रेस ठीक से निभा रही होती तो अब तक इन काले कानूनों को अब तक खत्म कर दिया गया होता, क्योंकि वजह ये है कि सिर्फ ड्राइंग रूम में ये जो इनका बयानबाजी में है, इसके आगे कुछ नहीं। और उनके 50 के करीब MP हैं। अगर जैसे हमारे एक योद्धा विधायक ने जब किसानों का मुद्दा आया, सरकार को पहले चेतावनी दी, अगर ये तो मान लो नहीं तो मैं इसको रिजाइन करूँगा, रिजाइन कर दिया। अगर वो भी, वैसे तो कहते हैं हम इनके विरोध में, लेकिन अगर वो एक बार रिजाइन कर दें, क्या देश की सरकार? आज उसी कड़ी में हमारे जो प्रवक्ता जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दत्ता जी, इसी वजह से हमारे को समझाने के लिए और पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके, किस प्रकार लोगों की आवाज़ उठाई जा सके, किस प्रकार से जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में हम पार्टी की बात किस प्रकार से रखें, आज आपसे रूबरू होने के लिए और हमें समझाने के लिए सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि पार्टी हर कदम पर इस प्रकार से चले। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन से आए हैं, हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनकी आवाज़ जो बुलंद है, जो लोग बाग चाहे हमारी पार्टी से वो संबंध नहीं रखते, लेकिन हमारे नेताओं की बात को वो तायद करते हैं कि आपके नेता ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मजदूर की है, चाहे किसान की है, चाहे दुकानदार की है, चाहे किसी की भी लड़ाई है, वो विधानसभा के अंदर हमारी पूरी लड़ाई लड़ते हैं। और जिस प्रकार से ये BJP ने ये जो बखेड़ा छेड़ा हुआ है, जो किसान आंदोलन को उखाड़ने के लिए जो फिर रही है, ये देश में अपरा तपरी का माहौल फैलाना चाहती है। जिस प्रकार से इन्होंने अब छेड़ा है कि हम यात्रा निकालें